बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने, और यहाँ पे आज पूरे दिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से कंसोलिडेशन किया है, बस ऐसे सिचुएशन में होता क्या है दोस्तों कि जो अनएक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ओवर ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं जो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कि एक लॉस के बाद अगर हम ट्रेड लेंगे ठीक है अनसेटल माइंड के साथ, तो फिर भी हमें लॉस होगा, फिर वो दूसरा लॉस, फिर तीसरा लॉस, चौथा लॉस, तो वो कवर होते ही नहीं है। ऐसे चक्कर में एक तो अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसी तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट को आज दोषी ठहराते हैं, मार्केट को कहते हैं कि मार्केट से कुछ नहीं होता है ठीक है। लेकिन अगर आप कई दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पे हो और हमारे यूट्यूब चैनल के लेवल्स को मानते हो, जिस तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई के लेवल्स हम निकालते हैं हर रोज़, तो दोस्तों आपको इस तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये 101% गारंटेड है। दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, यहां पर सप्लाई लेवल ऊपर की तरफ है और रेजिस्टेंस के पास, और यहां पर डिमांड लेवल है और वो है सपोर्ट के पास ठीक है। जब तक हमारे लिए कैंडल्स यहाँ पे आके प्राइस एक्शन नहीं देंगे बाइंग वाला ठीक है या फिर सेलिंग वाला, तब तक हम यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं मूवमेंट करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेलिंग का मूव आया ना, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसने ना ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है ऊपर के साइड में और ना ही हमारे जो लेवल निकाले हैं उसके आसपास गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट मूव ये होता है, देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर सेलर आया ठीक है। तो यहाँ से सेलर ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा है, तो यहाँ से बाइंग आ गया, तो यहाँ पर जितने भी बायर है उन्होंने क्या सोचा कि अब इसके नीचे सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि इसके नीचे भाव बहुत गिर चुका है, इसके नीचे कोई भी सेलर बेचने को तैयार नहीं, लेकिन मैं बायर हूँ, मुझे ये सस्ते में मिल रहा है तो मैं यहाँ पे ख़रीदूँगा। तो इस तरीके के सभी बायर आ गए और यहाँ से बाइंग करना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक गए। तो ये साइकोलॉजी बेस्ड, डिमांड सप्लाई बेस्ड, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड जो हम एनालिसिस निकालते हैं उसका कोई तोड़ नहीं दोस्तों। अब आप यह कहेंगे कि यहाँ पे लॉस तो होता है, होता है, बिल्कुल होता है, मार्केट है, लॉस होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए लॉस? अगर लॉस नहीं होना चाहिए ऐसे बोले तो मार्केट में आएंगे क्यों? तो आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते हो। आप कोई भी बिज़नेस ले लो जिसमें लॉस है या नहीं, आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिसमें लॉस है ही नहीं, ऐसा आप मुझे बताओ। लॉस तो अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में भी लॉस लॉस है ठीक है। तो लॉस से डरो मत, बस उसको मैनेज करना सीखो, और मैनेज कैसे करना है ये तो हम हर रोज़ वीडियो में बताते हैं। बस आप अगर नए हो चैनल पर तो वीडियो को एंड तक देखो, और अगर अच्छा लगा कंटेंट तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार पहले एनालिसिस का, इसमें ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद जो एनालिसिस बनाया था सैटरडे को जो वीडियो आया था, उसमें मैंने बोला था कि अगर नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ठीक है ब्रेक करके, तो हमें ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करेगा ठीक है, सपोर्ट लेवल के ऊपर कई देर तक कंसोलिडेट करेगा और इस तरीके से, और फिर नीचे ब्रेक करेगा और ऊपर नहीं आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ इसी लेवल पे पुट साइड पे भी ट्रेड मिल सकता है, या फिर गैप अप होता है और यहाँ तक जाता है और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा और इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे नहीं आ रहा है और फिर ऊपर घूम रहा है, तो आप यहाँ पे ऊपर के साइड पे कॉल में भी जा सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ठीक है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, नीचे आ गया तो इस डर से अगर रिस्क नहीं लोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ क्रूड ऑयल में मैंने कितना रिस्क लिया है, देख सकते हैं आप। देखो अब क्रूड ऑयल में मैंने ट्रेड क्यों किया है, रिस्क इतना क्यों लिया है, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया है, इसके पीछे की साइकोलॉजी बस यही है कि यहाँ से यहाँ तक इतना ज़्यादा सेलिंग हुआ है दोस्तों, इतना ज़्यादा सेलिंग हुआ है कि अब सेलर भी थक गए यहाँ तक सेलिंग करके, फिर यहाँ पर बायर आ चुका है। अब ये जो बायर यहाँ पर आए हैं ना, तो उनकी क्या टेंडेंसी है कि अब इसके नीचे सेलर तो नहीं आएंगे, सेलर को इसके नीचे बेचना ठीक है मुश्किल है, लेकिन बायर बोल रहे कि ये सस्ते में मिल रहा है यहीं पे हम बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर सस्ते में बाइंग कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत तो रिट्रेस तो करेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा मतलब यहाँ तक सेलिंग भी आ सकता है और यहाँ से ऊपर गया ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमारा टारगेट भी अचीव हो सकता है, बस उसके लिए वेट करना चाहिए ठीक है। लेकिन वेट करते समय अगर स्टॉप लॉस हंट होता है तो उसे हंट होने देना है, स्टॉप लॉस लगाते वक्त ही प्रॉपर लगाना है, और अगर हंट हो रहा है तो उसे हंट भी होने देना है, क्योंकि
अगर आप स्टॉप लॉस को हंट नहीं होने दोगे, नहीं नहीं मेरा स्टॉप लॉस नहीं हंट होना चाहिए, और नीचे खींचूंगा और नीचे खींचूंगा, तो बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। ठीक है, देखेंगे अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल में क्या होता है। तो इस तरीके से रिस्क भी लेना पड़ता है दोस्तों, लॉस तो होता है लेकिन प्रॉफिट भी होता है ना। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर समझो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, अब ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे घूमेगा, तो आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और आपका टारगेट 1:1, 1:2 ले लेना है। मैक्सिमम चांसेस 10 में से 8 बार आपका टारगेट हिट हो सकता है, और 10 में से सिर्फ 2 बार ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, पुट साइड पे जाओगे, लेकिन मार्केट अचानक से इतनी तेज़ी से घूमेगी कि आपको स्टॉप लॉस हंट कर देगी, उसके बाद नीचे आएगी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेम है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वही रखे हैं, सप्लाई डिमांड लेवल वही रखे हैं। ठीक है, और कल के लिए अगर समझो बैंक निफ्टी यहाँ से सेलिंग देता है, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और यहाँ से कॉल में एंट्री अगर करोगे ना 1:2 आराम से मिल जाएगा। 15 मिनट का कैंडल स्टिक का चार्ट रखना है। थोड़ा यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखेंगे, तो अभी अभी मैंने आपको क्रूड ऑयल के बारे में भी बताया है कि किस किस साइकोलॉजी की वजह से मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे जो सेलर आ रहे हैं ना, तो वो सेलर यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सेलर इतने ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतनी नीचे के लेवल पे, मतलब यहाँ पर 5674 है और यहाँ से सेलिंग हुई है 5950, इतने 300-400 रुपये सस्ते में कौन बेचेगा भाई। तो यहाँ से जितनी भी सेलिंग होने की कोशिश हो रही है वो फेल हो सकती है, और यहाँ से बाइंग होकर मार्केट ऊपर की तरफ चला जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया है, मैंने लिया है 5694 पे, ठीक है, बाय किया है 5694 पे, और टारगेट जो रखा है लंबा 5855 का रख दिया है मैंने, बहुत लंबा टारगेट रख दिया है। तो लगभग लगभग 200 पॉइंट का टारगेट है हमारा, 200 पॉइंट के आसपास है, 180-90 का टारगेट है हमारा, और उतना ही नीचे स्टॉप लॉस भी है। मतलब अगर आप समझो क्रूड ऑयल में अगर फ्यूचर लेते हो, तो आपका अगर लॉस हो गया तो उसमें 19,000 का लॉस हो सकता है एक लॉट में, समझ रहे हैं, और अगर प्रॉफिट हो गया तो लगभग 18-19 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो वो सब हम शेयर करेंगे, अगर ये इस तरीके से हमारा टारगेट अचीव होता है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये टारगेट इतने आसानी से थोड़ी ना अचीव होंगे, टारगेट अचीव होने के लिए टाइम तो लगेगा। जैसे कि यहाँ पे कैंडल आएगी, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सेलिंग भी हो सकता है, फिर इस तरीके से थोड़ा बहुत करके करके टारगेट अचीव हो सकता है, या फिर उसके उल्टा भी हो सकता है ना, कि यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग दिखा दे सकता है, फिर नीचे एकदम आ जाएगा, फिर सेलिंग करते 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 स्टॉप लॉस भी हंट करेगा। तो चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, ठीक है, अगर लॉस हो गया तो उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट कल के वीडियो में डाल दूंगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका वीडियो बना के उसमें प्रॉफिट का भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में हमने देखा, निफ्टी के बारे में भी सेम लॉजिक वही है सभी। देखो ये लॉजिक काम करता है मार्केट में, मेरे लिए तो करता है अभी, बाकी आपके लिए करता है नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन करता तो है। बस देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने बिल्कुल सही प्राइस एक्शन दिया है, देख सकते हैं ये जो है ना, ये जो यहाँ पे निकाला है मैंने, ये हमारा डिमांड लेवल है, ठीक है, डिमांड भी लेवल है और सपोर्ट लेवल भी है, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे प्राइस एक्शन दिया गया है, यहाँ पे जितने भी बायर हैं, इसमें जितने भी बायर हैं, उन सभी का स्टॉप लॉस शायद एक अंदाजे से यहाँ पे होगा, हम एक अंदाज़ा निकाल सकते हैं, अंदाज़ा निकालेंगे ना हम कि शायद इन ये बड़े सभी बायर हैं और उन्होंने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगाए, पुट राइटिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, पुट राइटिंग हो गए। तो दोस्तों आपको अगर समझने की बात क्या है कि 15 मिनट में यहाँ से जो सेलिंग हुआ है मार्केट में, यहाँ पे जितने भी सेलर आए उन्होंने यहाँ तक सेलिंग किया है, अब वो नीचे क्यों सेलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस लेवल के नीचे है ना, उनको नहीं परवड़ता है इस लेवल के नीचे बेचने को, वो बोलते हैं नहीं हमें इस लेवल के नीचे बेचना ही नहीं ना, हमारे लिए लॉस है इस लेवल के नीचे बेचना, या फिर उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि इस लेवल के नीचे अगर बेचेंगे और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, तो ये सेलर को भी पता है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, उनको भी डर लग रहा है, इसलिए तो बेच नहीं रहे यहाँ पे, समझ रहे हैं आप लोग, ये साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करना, सेलर भी क्या सोच रहा है और बायर भी क्या सोच रहा है। सेलर और बायर की सोच अगर एक हो गई तो वो डायरेक्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो सेलर अगर समझो यहाँ पे सोच रहा है कि यहाँ से अगर मैं सेल करूँ तो और मार्केट बढ़ गया तो मेरा लॉस होगा, और बायर क्या सोच रहा है कि यहाँ से मैं बाय करूँगा,
ठीक है, यहाँ से मैं बाय करूँगा, इसलिए तो बाइंग के इंडिकेशन दिखाए। फिर सेलर आए लेकिन उन्होंने बायर के लाइन को तोड़ नहीं सके, फिर बायर आए, बायर कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइंग हो रहा है, कंप्लीट बाइंग हो रहा है। अब मैं बाइंग के बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल के नीचे जाने के बाद ऊपर आया है ना, देखो यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, फिर ऊपर नीचे, अब ऐसा ऊपर जाएगा ठीक है, फिर सेलिंग होगा, ऐसे नहीं हुआ तो फिर आपकी एंट्री इस तरीके से होगी यहाँ पर। और आपका स्टॉप लॉस ये जो मैंने लाइन खींचा है ना, इस तरीके से एक अंदाजे से आप निकालना कि इस लाइन के नीचे लगाना, थोड़ा सा करेक्ट लाइन पे नहीं लगाना, और इसके साथ 1:1, 1:2 ठीक है, आप आराम से ले लेना। टारगेट लगाना 15 मिनट के ऊपर स्टॉप लॉस टारगेट लगाना, एंट्री लेना और आराम से बैठ जाना, जो भी आपके नसीब में होगा अच्छा होगा ठीक है। तो इस तरीके से कॉल साइड पे मैंने आपको बताया कि निफ्टी में किस तरीके से हमें जाना है। पुट साइड पे अगर जाना है तो मार्केट को, अब यहाँ से तो पुट साइड के मुझे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे, अगर समझो ओवरनाइट कोई बैड, बहुत ही बैड न्यूज़ आएगी ठीक है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से पुट साइड का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर बहुत ही बैड न्यूज़ अगर ओवरनाइट आ सकती है, तो ये सारे सिचुएशन, ये सारे प्राइस एक्शन काम नहीं करेंगे, यहाँ से ही डायरेक्ट धड़ाम से मार्केट गिर भी सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन कंटिन्यू रह गई तो पुट साइड पे जाने का कोई चांसेस मुझे नहीं लग रहा है। मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा 100% बढ़ेगा, और पुट साइड पे अगर समझो सुबह के वक्त बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ गया और ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, कंसोलिडेट किया किया किया, ऊपर ही नहीं जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे नीचे ही नहीं जा रहा है, देख रहे हैं कंसोलिडेट किया 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 ठीक है। तो उसी तरीके से यह ऊपर किया और ऊपर से नीचे अगर सेलिंग दिया और फिर ऊपर नहीं जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आराम से बैठ के टारगेट ले सकते हो दोस्तों। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, सेम सिचुएशन रहेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी का भी वही रहेगा, हमारे लिए बाइंग सेलिंग के जो भी सिचुएशन से डिमांड सप्लाई सेम वही रहेंगे। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखो यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, लेकिन देखेंगे हम, अगर हमारे यहाँ पे टारगेट अच्छे होता है तो मैं फिर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और वो भी वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।